फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर एमपी इमैनुअल अतर जूलियस ने फैसलाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान एमपी इमैनुअल अतर जूलियस ने प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर एमरिक जोसेफ के साथ मुलाकात की, जबकि मुलाकात के बाद वहां से रवाना हुए और मदीना टाउन में पास्टर खालिद एमनास के चर्च में खिताब किया और खसूसी तौर पर पास्टर खालिद एमनास से मुलाकात की। एक बार फिर आपको बताते चलें कि एमपी इमैनुअल अतर जूलियस ने फैसलाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान एमपीए इमैनुअल अतर जूलियस ने प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर एमरिक जोसेफ के साथ मुलाकात की, जबकि मुलाकात के बाद वहां से रवाना हुए और मदीना टाउन में पास्टर खालिद एमनास के चर्च में खिताब किया और खसूसी तौर पर पास्टर खालिद एमनास से मुलाकात की। जोसेफ साहेब, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े अदब एहतराम के साथ आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अदाब और सलाम पहुंचे। बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि आज आप बड़ी भारी तादाद में गुलाम यीशु मसीह के घर में आए हैं, और जिस मोहब्बत से अभी तक आप बड़े हैं, इस बात की अकासी है, इस बात की तर्जमानी है कि आप सब खुदा यीशु मसीह से बेहद और लाजवाब मोहब्बत रखते हैं। और कलाम पाक में भी लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों कायम तो है, मगर इनमें अफजल जो है वो मोहब्बत है। और अगर हम रिश्तों की जबान में बोले और आपस में मोहब्बत ना रखें, हम खंड नाता पीतल और जन जनाती जांच हैं। और खुदा यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इस बात से जाने जाओगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के इस इकट्ठे से आप जो दूसरे से नफरतें, दूरतें और भुगत रखते हैं वो अपने दिल से निकालें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हुए, खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करें, इस उम्मीद कामल के साथ कि आपके बरस मोहब्बत का एक ऐसा शजर लगाया जाए।
पड़ोस के आंगन में जिसका साया जाएगा वो पत्थरों से पानी निकाल देता है। कुदरत उसकी कैसे करूं बयां, जरे जरे को वो जमाल देता है। फजीलत माँ, मेरे बड़े भाई पास्टर खालिद अमनाज साहेब, मेरे बड़े भाई जुएल कमर संधु साहेब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर कैसे शहजाद साहेब, मेरे प्यारे भाई डॉक्टर जीम कमल चौहान साहेब, मेरे प्यारे भाई आसिफ खोखर साहेब, मेरे प्यारे भाई नईम साहब, मेरे प्यारे आजम साहब, प्यारे बच्चों, मौजूद ख़वातीन हज़रात, बड़े तबक तराम के साथ आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से अदाब और सलाम पहुंचे। बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि आप बड़ी देर से यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के पंडाल में जमा हुए हैं। तो इतनी तादाद में यहाँ आपका गर्मी की शिद्दत में बैठना इस बात की काशी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से बेहद और लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। और कलामे पाक में भी लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों कायम तो है मगर इनमें अफजल जो है वो मोहब्बत है। और अगर हम फरिश्तों की जुबानें बोलें और आपस में मोहब्बत ना रखें तो हम ठनठनाता पीतल और जंजनाती जांच है। और खुदावंद यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इस बात से जाने जाओगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आए मेरे जीजो भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज जो मेरे प्यारे भाई पास्टर खालिद अमनाज साहब ने ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए पंडाल सजाया है, इसे हम बरकत हासिल करें और अपने दरमियान जो नफरतें हैं, कदूरतें हैं, बुगस हैं वो निकालें और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए, खुदावंद यीशु मसीह की तलीम पर अमल करते हुए एक दूसरे से प्यार करें इस उम्मीद कामल के साथ कि आपके बरस मोहब्बत का एक ऐसा शजर लगाया जाए पड़ोस के आंगन में भी जिसका साया जाए। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि खुदाए कदूस हमारे वतन अजीज को बहुत सारी बरकात और फजाइल से मालामाल करे ताकि यहाँ अमन, सुलह और मोहब्बत हो। तो पादरी खालिद अमनाज साहब जो हैं मेरे बड़े भाई हैं, मुझे हमेशा प्यार करते हैं। हमारी उनकी जो मिसिज हैं वो मेरी बहन है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हर जगह जहाँ भी इनका प्रोग्राम मुझे बुलाते थे तो आज खुदावंद ने सरफराजी दी है। इनकी दुआओं की बदौलत मैं चाहूँगा इनकी सारी खिदमात के लिए भरपूर तालियां का ये पूरे पाकिस्तान और दुनिया में जो कर रहे हैं।